राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा में बड़े पैमाने पर बढ़ती मजारों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद विहिप ने आप मोर्चा खोल दिया है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि शहर में तेजी से कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह उग रही अवैध मजारों को यदि नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। विहिप की मेरठ प्रांत के मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने नोएडा प्रशासन से कहा कि नोएडा में बहुत तेजी से कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह अवैध मजारों का निर्माण हो रहा है, यदि इन अवैध ढांचों को अविलंब नहीं हटाया गया तो हम राज्यव्यापी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। डॉक्टर गुप्ता ने ऐसे तत्वों को पुलिस के संरक्षण का होने का इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं मजारों के संबंध में नोएडा प्राधिकरण एवं नोएडा के जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लौटते हुए विही पदाधिकारियों पर सेक्टर 39 के थाने के बाहर कुछ लोगों ने विही बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला का प्रयास किया गया है। जो सादा वेशधारी थे जिन्हें पुलिस ने बाद में अपने कर्मचारी बताया, फिर भी विहिप कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने का दुष्प्रयास किया गया है जो बेहद निंदनीय और नोएडा पुलिस प्रशासन की छवि को धूमिल करने वाला है। विहिप नेता ने कहा कि हमारी मांग है कि छाती पर रिवॉल्वर तान कर थाने के सामने जान से मारने की शरेआम धमकी देने वाले पुलिसकर्मी को अविलंब गिरफ्तार करके कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले मढ़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में कोई ढिलाई बरती गई वही बजरंग दल के कार्यकर्ता संपूर्ण हिंदू समाज के साथ राज्यव्यापी आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।